हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल ड्राइव से आपके जितने भी फोटोएं हैं जो आप बैकअप लेते हो फ़ोन का गूगल ड्राइव के अंदर, उनको लगभग लोग है वो एक एक डाउनलोड करके अपना है वो ज़्यादातर है वो टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ही क्लिक से एक साथ सभी फोटोओं को सेलेक्ट करके कैसे अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, गूगल ड्राइव के अंदर जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो सारी की सारी आप वो कैसे डाउनलोड करोगे गूगल फोटोज़ से। तो जैसे ये गूगल फोटोज़ के अंदर मेरी जितनी भी फ़ोटो वगैरह है वो मुझे डाउनलोड करनी होती है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्राइव के अंदर आना है, जो आपको गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो ऑलरेडी फ़ोन के अंदर आता ही है, लेकिन नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ड्राइव के ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपके जितने भी जैसे फ़ोटोज़ वगैरह है वो सारी की सारी है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये जितनी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह है वो सबकी सब यहाँ आ जाती है। तो ये अभी कुछ मैंने अपलोड किया है वो यहाँ पर आ रहा है। इसको यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इस टाइप में से अपलोडिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले सिंबल पे आना है और अपलोड वाले पे आ जाना है। फिर यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में आपको गूगल ड्राइव नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो गूगल ड्राइव में जितनी भी फोटो है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। उन सबको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करके डन करोगे तो उस समय आपकी जितनी ये फोटो है वो ऐसे यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, तो ये मैंने सारी की सारी फ़ोटो वो अभी जस्ट वो है अपलोडिंग किए, वीडियो वगैरह डाउनलोड किए। अब मैं इन सबको एक क्लिक के अंदर ही डाउनलोड करूँगा। तो मैं सबको यहाँ से क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से सारी की सारी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेनी है। और अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये सारी की सारी फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड वो होना स्टार्ट हो जाएगी। और ध्यान रहे, इस ड्राइव के अंदर पहले आपको फ़ोटो यहाँ से आके अपलोडिंग में आके और फोटोज़ में आके और यहाँ से सारी वो फ़ोटो हैं वो इस ड्राइव के अंदर लेनी है। जैसे अभी मैंने ली, लेने के बाद में वो फ़ोटोएँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी सारी की सारी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे सारी की सारी फ़ोटो आ जाती है तो उनको ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया एक एक फ़ोटो को, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सारी फ़ोटो को एक साथ सेलेक्ट करते हो तो एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो सारी फ़ोटो को डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव में एक एक फ़ोटो सिलेक्ट न करके सारी फ़ोटोओं को एक साथ है वो मूव कर सकते हो। और मूव करने से आपका बेनिफिट फ़ायदा ये भी होगा कि आपका जो गूगल ड्राइव है उसमें भी कुछ स्पेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अदर जो भी अपनी फ़ोन की फ़ोटो वगैरह है वो उसके अंदर बैकअप है वो ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।